दोस्तों अभी हाल ही में हमने मोटोरोला G22 से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी जहां पर हमने इस स्मार्टफोन की सभी स्पेसिफिकेशंस वगैरह के बारे में बात की थी। हालांकि उस वीडियो में कुछ स्पेसिफिकेशंस कंफर्म थी तो कुछ वहां पर रूमर थी। तो आज की इस वीडियो में हम यहां पर स्मार्टफोन की कंफर्म्ड स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि यहां पर कंफर्म कर दिया गया है 91 मोबाइल्स के थ्रू। और हाँ दोस्तों, यहां पर 91 मोबाइल्स के थ्रू स्मार्टफोन के रेंडर्स वगैरह भी सामने आ चुके हैं। गाइज यार, इस स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन वगैरह है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और स्पेसिफिकेशन और भी ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो चुकी है। तो ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, एक बार इस वीडियो को चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही में वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल को ऑल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, 91 मोबाइल्स के थ्रू इस स्मार्टफोन के कंफर्म्ड रेंडर्स यहां पर सामने आ चुके हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये स्मार्टफोन आपको कैसा देखने को मिलने वाला है। स्मार्टफोन का जो बैक लुक है दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा चेंज होने वाला है क्योंकि आपको यहां पर बैक में ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में स्मार्टफोन मिल जाएगा। हालांकि प्लास्टिक बिल्ड पर ही बना होने वाला है स्मार्टफोन, तो आपको यहां पर प्लास्टिक की फ्रेम, प्लास्टिक की बैक मिल जाएगी। फ्रंट में आपको यहां पर पॉसिबली कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलने वाला है। तो बिल्ड क्वालिटी फोन की अच्छी रहने वाली है। डिज़ाइन की बात करें तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैक साइड में आपको रेक्टेंगुलर डिजाइनिंग के साथ में मिल जाएंगे 3 कैमरा, और इसके अलावा LED फ्लैश होने वाला है। और मोटो का जो लोगो है दोस्तों, वो भी आपको यहाँ पर स्मार्टफोन के सेंटर में मिल जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर स्मार्टफोन का जो बैक लुक है ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। सामने की बात कर ले तो सामने भी आपको यहाँ पर पंच होल कटआउट सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, और प्राइस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पतले से बेजल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल दोस्तों, यहाँ पर जो फोन का लुक है ये तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। रही बात दोस्तों यहाँ पर कलर वेरिएंट्स की, तो 91 मोबाइल्स के थ्रू दोस्तों आज यहाँ पर स्मार्टफोन के चारों कलर ऑप्शन भी यहाँ पर सामने आ चुके हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि ये स्मार्टफोन आपको कैसा देखने को मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आप यहाँ पर स्मार्टफोन की मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ़ोन के डिस्प्ले की। दोस्तों ये स्मार्टफोन आने वाला है 6.5 इंचेस की HD+ वाली। जी हाँ दोस्तों, HD+ की रिजोल्यूशन होगी, लेकिन आपको यहाँ पर AMOLED की पैनल मिलने वाली है। जैसा कि दोस्तों प्रीवियस लीक्स आए थे कि हमें यहाँ पर IPS पैनल मिलने वाली है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस बार हमें यहाँ पर AMOLED की पैनल देखने को मिल जाएगी, तो ये काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। साथ ही में आपको यहाँ पर 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो और लगभग आपको यहाँ पर 270 PPI डेंसिटी का सपोर्ट मिल जाएगा। साथ ही में आपको पॉसिबली कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल सकता है, या फिर दोस्तों हो सकता है कि किसी चाइनीज ग्लास का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिल जाएगा। रही बात दोस्तों गेमिंग की, तो गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर मिलने वाली है 90Hz की रिफ्रेश रेट और 180Hz की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट भी दी जाएगी। तो देखा जाए तो यार, इस बार की जो डिस्प्ले होने वाली है वो काफ़ी अच्छी होगी। हालांकि कंटेंट वगैरह वॉच करने के लिए ठीक रहने वाली है, लेकिन फिर भी देखेंगे तो यार AMOLED की पैनल वो भी आपको बजट रेंज के अंदर मिलने वाली है, तो ये काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फ़ोन के कैमरास के बारे में। दोस्तों कैमरास के बारे में पिछली बार भी हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो सही थी। बैक साइड में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं 4 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा आपको मिल जाएगा 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस होने वाला है, 2 का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर दिया जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर 2 सेंसर यूजलेस होने वाले, लेकिन आपको यहाँ पर अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है यार। आजकल के जितने भी नए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं वहाँ पर तो ये लेंस हमें मिल ही नहीं रहा है, तो इस फोन के अंदर मिल रहा है तो ये काफ़ी बड़ी बात है। रही बात सेल्फी की, तो सेल्फी के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का सेंसर। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ी बात होने वाली है। इस बार का जो कैमरा सेटअप है ये आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। जहाँ तक बात है ट्यूनिंग की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं मोटोरोला की ट्यूनिंग आपको नेचुरल मिलती है, तो कैमरा आउटपुट हम सभी जानते हैं कि कैसा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो मैक्सिमम आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे 30fps तक फ्रंट और बैक कैमरा से। तो कैमरा से आपको यहाँ पर कोई भी खास दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ तो भाई आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब यहाँ पर परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आने वाला है MediaTek Helio G37 चिपसेट के साथ में। जी हाँ दोस्तों, ये G35 का सक्सेसर होने वाला है, तो थोड़ी मोटी ट्विकिंग वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। हालांकि दोस्तों ये चिपसेट अभी तक लॉन्च तो नहीं किया गया, लेकिन इस चिपसेट से रिलेटेड हमें यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो दोस्तों ये चिपसेट भी आपको यहाँ पर 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर ही मिलने वाला है, तो हीटिंग वगैरह की दिक्कत आपको वैसी ही मिलने वाली है। और रही बात दोस्तों बैटरी बैकअप की, तो वो भी आपको यहाँ पर डिसेंट टाइप की ही मिलने वाली है। बात कर ले रॉ CPU की, तो 64-bit आर्किटेक्चर के साथ में आपको मिलने वाले हैं 8 कोर, जिसमें से पहले 4 कोर आपको मिलेंगे हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए 2.3 GHz पर कोटेक्स A53 के, और बाकी के 4 कोर आपको मिल जाएंगे 1.8 GHz पर कोटेक्स A53 के।
तो देखा जाए तो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर थोड़ी सी ही अपग्रेड मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं। डे टू डे टास्क ये स्मार्टफोन इजीली हैंडल कर सकता है। और गेमिंग की बात कर ले भाई, तो गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर मिलेगा IMG पावर VRGE8320 का GPU, जो कि आपको यहाँ पर ठीक ठाक लेवल की गेमिंग करा सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर सबवे सर्फर वगैरह जैसे गेम्स खेल सकते हैं। तो देखा जाए और तो यहाँ पर आप गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। परफॉर्मेंस वाइज गाइज ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर ठीक ठाक मिलने वाला है, जो कि इस स्मार्टफोन का थोड़ा सा डिसएडवांटेज होने वाला है। वहीं पर अगर हम बात कर ले फोन के रैम और स्टोरेज की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को स्पॉट किया गया है 4GB रैम के साथ में, और रैम की क्वालिटी होगी LPDDR4X। साथ ही में आपको यहाँ पर 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज मिलने वाली है, और स्टोरेज की क्वालिटी होने वाली है eMMC 5.1। तो रैम और स्टोरेज का मॉडल चिपसेट के हिसाब से आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है, वहाँ पर आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। तो इस फोन के बैक साइड में आपको मिलने वाली है 5000mAh की बैटरी, और देखा जाए तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप आराम से मिल जाएगा। रही बात चार्जिंग स्पीड की, तो 10 वॉट की नॉर्मल चार्जिंग आपको यहाँ पर मिलने वाली है, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी जाएगी। तो बैटरी मॉडल भी फोन का यहाँ पर एवरेज होने वाला है, हालांकि बैकअप आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर कम से कम 18 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाता तो और ज़्यादा अच्छा रहता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन की कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। तो गाइज यार हमें यहाँ पर AMOLED की पैनल तो देखने को मिल जाएगी, लेकिन इस बजट के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को एक्सपेक्ट करना भी यहाँ पर बहुत बड़ी गलत बात होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है, फेस अनलॉक जैसे फीचर्स मिल जाएंगे, 3.5mm का जैक आपको यहाँ पर फोन के अंदर डेफिनेटली मिलने वाला है, और सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स होंगे, तो ऑडियो भी आपको यहाँ पर डिसेंट टाइप की मिल जाएगी। रही बात दोस्तों कार्ड स्लॉट की, तो पॉसिबली ये स्मार्टफोन हमें यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड स्लॉट के साथ में मिलने वाला है, जहाँ पर आप एक साथ में 2 4G SIM या फिर 1 4G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकेंगे। और जहाँ तक बात है सेंसर्स की, तो बजट रेंज का स्मार्टफोन होने वाला है, तो जो भी सेंसर्स इस बजट के अंदर आपको मिलने चाहिए वो सभी स्मार्टफोन्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं फोन के यूजर इंटरफेस की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आने वाला है लेटेस्ट एंड्रॉयड 12 के साथ में, तो ये अच्छी बात होने वाली है, जहां पर आपको मोटोरोला की कस्टम स्किन MyUX का सपोर्ट मिल जाएगा। तो देखा जाए तो ब्लॉटवेयर ऐप और ऐड वगैरह तो आपको यहां पर नहीं मिलेंगे, और फोन का जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस होने वाला है वो भी आपको यहां पर काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं फोन की लॉन्च डेट और प्राइसिंग के बारे में। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये स्मार्टफोन तो यार बहुत जल्द ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने वाला है, और उसके बाद ही ये स्मार्टफोन हमें इंडिया में देखने को मिलेगा। हो सकता है दोस्तों कि मार्च के मिड में ये स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाए, और मार्च के एंड में या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में ये स्मार्टफोन हमें इंडिया में लॉन्च होता हुआ देखने को मिल जाए। वहीं पर अगर हम बात कर ले फोन की प्राइसिंग की, तो दोस्तों यहाँ पर लीक्स के अकॉर्डिंग ये जो स्मार्टफोन है ये हमें इंडिया में 4GB रैम 64GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में अराउंड यहाँ पर 11,000 रुपये की प्राइस पर मिलने वाला है। दोस्तों 11,000 रुपये के हिसाब से यार AMOLED की पैनल आपको यहाँ पर मिल रही है, हालांकि HD+ वाली ही सही, लेकिन AMOLED की डिस्प्ले देखने को मिल रही है, कैमरा सेटअप भी फ़ोन का काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो आपको यहाँ पर चिपसेट और दोस्तों यहाँ पर जो बैटरी मॉड्यूल है ये यहाँ पर थोड़ा सा एवरेज टाइप का मिलने वाला है। G37 इस प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा सा ओवर प्राइस यहाँ पर चिपसेट होने वाला है। तो गाइस यार मैं यहाँ पर स्मार्टफोन को बहुत ज़्यादा अच्छा या फिर बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं कह सकता हूँ, ठीक ठाक स्मार्टफोन होने वाला है। जिन्हें यहाँ पर AMOLED वाली पैनल परचेस करनी होगी या फिर जिन्हें यहाँ पर कैमरा सेटअप अच्छा चाहिए रहेगा वो यहाँ पर स्मार्टफोन को देख पाएंगे। तो दोस्तों नॉर्मल यूजिंग के लिए ये स्मार्टफोन ठीक ठाक रहने वाला है। वैसे आप क्या सोचते हैं स्मार्टफोन को लेकर के वो मुझे आप बता सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल को ऑल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।